दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों स्कॉटलैंड की टीम पर एक शानदार फतेह हासिल करने के बाद भारतीय टीम की तूती पूरे विश्व में बज रही है। यहां तक कि साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने भारतीय टीम की जीत पर एक ऐसा बयान दे डाला है जिसको सुनने के बाद तो हर एक भारतीय प्रशंसक की आंखें फटी की फटी रह गई। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको क्या कहा एबी डिविलियर्स ने भारतीय टीम की इस जीत पर। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम से बेहतरीन टीम इस पूरे क्रिकेट जगत में कोई है या नहीं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 5 नवंबर को अपने जन्मदिन के दिन पर विराट कोहली को एक ऐसा उपहार मिला जिसके विराट कोहली को सबसे ज्यादा दरकार थी, वो था टॉस। जी हाँ दोस्तों, 5 नवंबर के दिन स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में विराट कोहली इस T20 वर्ल्ड कप का पहला टॉस जीते और उन्होंने टॉस जीतते ही बिना किसी हिचकिचाहट के गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में बेहद ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए स्कॉटलैंड की टीम को 85 रनों के मामूली से स्कोर पर आउट कर दिया और 86 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया, जिसके सामने तो स्कॉटलैंड की टीम का हर एक गेंदबाज पानी पीते हुए नजर आया। दोस्तों बता दें भारतीय टीम की ओर से हर एक बल्लेबाज ने भी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया। पहले तो केएल राहुल ने मात्र 19 गेंदों में 50 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं उसके बाद रोहित शर्मा ने 16 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली और अंत में सूर्य कुमार यादव ने एक शानदार छक्का जड़कर भारतीय टीम को इस मुकाबले में मात्र 6 ओवर में शानदार जीत हासिल कराई। दोस्तों बता दें भारतीय टीम की इस शानदार जीत की तूती पूरे विश्व में बज रही है, जहां एक के बाद एक दिग्गज खिलाड़ी भारतीय टीम की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं इसी बीच साउथ अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने भारतीय टीम की प्रशंसा करते हुए एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनने के बाद हर एक प्रशंसक के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों एबी डिविलियर्स ने तहे दिल से भारतीय टीम की जीत पर अपना बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम इस विश्व की सबसे बेहतरीन टीम है। अगर भारतीय टीम अपने 2 मुकाबले ना हारती तो इस साल उन्हें T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि भारतीय टीम के खिलाड़ियों में जो क्षमता है T20 मुकाबला जीतने की वो बाकी किसी भी टीम में नहीं है। लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि यही भारतीय टीम इसी तरीके से शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की भी करेगी और उसके बाद विश्व कप अपने नाम करने में कामयाब रहेगी। उन्हें लगता है कि इस साल का T20 विश्व कप फाइनल मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा, लेकिन भारतीय टीम इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उनके सामने साउथ अफ्रीका भी शायद ना जीत पाए, इसलिए वो ये बात कहने में बिल्कुल भी नहीं शर्माएंगे कि भारतीय टीम पूरे क्रिकेट जगत की सबसे बेहतरीन टीम है, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल जैसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद हों। उनके सामने तो हर एक टीम को कोई भी मुकाबला खेलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। लेकिन दोस्तों एबी डिविलियर्स के इस बयान को सुनकर आप सभी को क्या लगता है, क्या यही भारतीय टीम इस साल का T20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम करने में कामयाब रहेगी या नहीं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को।